राजधानी दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश दिल्ली वालों को कैसे बंधक बना देती है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तिलक मार्ग की ये तस्वीर है, कई किलोमीटर लंबा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। ITO ब्रिज के नीचे वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम की समस्या और शिकायत मिलने के बाद इंडिया गेट से ITO की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से सड़क जाम है। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको गाड़ियाँ ही खड़ी नज़र आएंगी। कुछ ऐसा ही सूरत हाल अगर हम बात करें ITO ब्रिज का भी है, उसके नीचे भी मंडी हाउस की तरफ से आने वाली तमाम गाड़ियाँ ITO और जमुना पार लक्ष्मी नगर की तरफ जाने वाले रास्ते पे भारी जाम लगा हुआ है और जिसकी वजह से इवनिंग का समय है, शाम का वक्त है, सोमवार को आप ऑफिस बंद होने के बाद जब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर वाटर लॉगिंग है और जिसकी वजह से कई जगहों पे काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। लिहाजा अगर आप अभी अपने घर से निकल रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा संभल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कई घंटे ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़े। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश दिल्ली वालों को कैसे बंधक बना देती है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तिलक मार्ग की ये तस्वीर है, कई किलोमीटर लंबा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। ITO ब्रिज के नीचे वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम की समस्या और शिकायत मिलने के बाद इंडिया गेट से ITO की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से सड़क जाम है। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको गाड़ियाँ ही खड़ी नज़र आएंगी। कुछ ऐसा ही सूरत हाल अगर हम बात करें ITO ब्रिज का भी है, उसके नीचे भी मंडी हाउस की तरफ से आने वाली तमाम गाड़ियाँ ITO और जमुना पार लक्ष्मी नगर की तरफ जाने वाले रास्ते पे भारी जाम लगा हुआ है और जिसकी वजह से इवनिंग का समय है, शाम का वक्त है, सोमवार को आप ऑफिस बंद होने के बाद जब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर वाटर लॉगिंग है और जिसकी वजह से कई जगहों पे काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। लिहाजा अगर आप अभी अपने घर से निकल रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा संभल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कई घंटे ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़े। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।